मेरे छात्रों, पिछले दिनों काव्य रस के विभिन्न अंगों की चर्चा की गई थी। अब आज आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित दो रस, हास्य और हास्य रस और करुण रस हैं, तो जिसमें हास्य रस को परिभाषित करते हुए उसका उदाहरण और उसकी कसौटी यहाँ व्यक्त की जा रही है। हास्य रस को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से जब हृदय में हास नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वहां हास्य रस उत्पन्न होता है। विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी, चेष्टाएं इसके विभाव होते हैं। उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोवृतधारी महावीर नारी दुखारे गौतम तीय करी तुलसी सु कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे वैदिशिला सब चंद्रमुखी परिषे पद मंजिल कंज तिहारे कि भले रघुनायक जो करुणा करि कानन को पबुधारे। तुलसीदास की ये पंक्तियां पढ़ने से हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसका स्पष्टीकरण यहाँ दिया जा रहा है। अस्थायी भाव हास हंसी, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, तभी हंसी उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है तब आप समझ सकेंगे। विंध्य के वासी उदासी तपोवृद्धारी महावीर भाई, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी ऋषि मुनि जब यह जाने कि भगवान श्री राम इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं और उन्होंने यह भी जान लिया कि उनके पैरों के कमलों चरणों के स्पर्श से अहिल्या जो शिला के रूप में थी वह स्त्री के रूप में परिणत हो गई, यह जानकर के वो लोग बहुत खुशी हुए। क्यों खुशी हुए? गौतम थी तरी तुलसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग ये समझे कि गौतम ऋषि की स्त्री तर गई यानी पत्थर से स्त्री बन गई। सो कथा सुभे वृंद सुखारे, जब इस कथा को सुने कि भगवान श्री राम के कमलोच्चरणों के द्वारा पत्थर या शिला सुंदर स्त्री बन गई, तो इस कथा को सुनकर के वो लोग अत्यंत खुश हुए। खुश क्यों हुए? वह शिला सब चंद्रमुखी, सारी शिलाएं विंध्याचल की चंद्रमुखी स्त्रियां हो जाएंगी। कैसे? परसे पद मंजिल कंज तिहारे, भगवान श्री राम के कमलों चरणों के स्पर्श से। की भले नायक जो भगवान श्री राम ने बहुत अच्छा किया करुणा करे कारण को पगभारे, क्योंकि वो हम लोगों पर करवा किए, इसलिए विंध्याचल के जंगल की तरफ वो अपने कदम बढ़ाए। तो इस कथा या इस पंक्तियों के भाव को सुन करके हंसी आना स्वाभाविक है, तो इसका अस्थायी भाव हास तात्पर्य हंसी। विभाव इसमें है आलम्बन विभाव, विंध्य के वासी तपस्वी, तपस्वी लोग इसके आलम्बन है और आश्रय इसमें पाठक पढ़ने वाले कर्ता को पढ़ने वाले हैं। उद्दीपन विभाव में अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुत करना, भगवान श्री राम की स्तुत करना। अनुभाव इस कविता में है हंसना और संचारी भाव है स्मृत, राम की कथा, अहिल्या की कथा, चपलता, चंचलता, राणा के भगवान श्री राम के कैसे कैसे गुण हैं। उत्सुकता, जिज्ञासा बन जाना कि अभी अभी आ रहे हैं इधर, ऐसे भी होगा, सारी उत्सुकताएं मुनियों के अंदर बन गई। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हास्य रस
बताया गया, इसके बाद करुण रस है। अभी करुण रस की व्याख्या की जा रही है।